Loading, please wait. Welcome to Future Technology RC. हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं फ्यूचर टेक्नोलॉजी आरसी यूट्यूब चैनल को। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे, जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा, एक कैंडल को बिना टच के कैसे हम जला सकते हैं, तो उसी के ऊपर हम आज ये प्रोजेक्ट बनाएंगे। एक कैंडल को बिना टच किए माचिस को हम बाहर जलाएंगे और कैंडल जो है वो अपने आप जलेगा, जैसे कि आपने एक छोटा सा वीडियो पर देखा है, तो उसी के ऊपर हम आज प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि सारी की सारी जानकारी आप तक पहुंच सके। और इस सर्किट का सर्किट डायग्राम भी मैंने वीडियो के अंदर दे दिया है, अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तो आपको इसका सर्किट डायग्राम भी मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक एक कमेंट जरूर कीजिए और हो सके तो शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। हाँ दोस्तों, और एक बात, मैंने अभी अभी यूट्यूब पर एक नया चैनल ओपन किया है जिसका नाम है आरसी एक्सपेरिमेंट हैकर। वहाँ पर आपको बहुत सारे नए नए एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेंगे, अगर आप वो देखना चाहते हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है दोस्तों। तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो। 12 वोल्ट का रिले, इस रिले का आप देख सकते हो 5 टर्मिनल होता है, ये दोनों है इसके कॉइल का पिन, ये इसके कॉमन पिन, ये है एन सी का और ये एनओ का। तो इसी रिले को लेकर हम आज ये प्रोजेक्ट बनाएंगे और इसके लिए लेंगे कि BC547 का NPN ट्रांजिस्टर। ये मार्केट पर बहुत ही आसानी से मिल जाता है, अगर ये नहीं मिलता है तो आप कोई भी NPN ट्रांजिस्टर को यूज कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए एक डायोड लेते हैं 1N4007 का और उस डायोड को इस रिले के कॉइल के एक्रॉस पर लगा देते हैं। अब क्या करेंगे, इस ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर पिन है उसको हम रिले पर लगाएंगे। अब हम लेंगे एक फोटोडायोड। इस फोटोडायोड का क्या काम है, इधर जब भी हम माचिस जलाएंगे तो उसमें से कुछ आयर के किरने निकलेंगे, ये फोटोडायोड उसी किरने को रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद इस ट्रांजिस्टर को ऑन करेगा। तो इस फोटोडायोड का दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का। इसका जो पॉजिटिव वाला पिन है उसको हम लगाएंगे ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट पर। अब लेंगे एक 220 ओम्स का एक रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस को लगाएंगे फोटोडायोड के नेगेटिव टर्मिनल से रिले के पॉजिटिव पॉइंट पर। और आपको वीडियो पर कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं तुरंत ही आपको उसका जवाब दे दूंगा। और इस सर्किट का सर्किट डायग्राम भी मैं वीडियो के आखिर में दे दूंगा, तो इस वीडियो का पूरा देखिए। चलिए इसमें एक एलईडी को लगा देते हैं ताकि ये ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है वो हमें पता चल सके। तो एक एलईडी लेते हैं, एलईडी का जो पॉजिटिव होता है उसको हम लगाएंगे रिले पर, रिले के जो पॉजिटिव वाला पॉइंट है वहाँ पर हम लगाएंगे। अब लेंगे 470 ओम का रेजिस्टेंस लेकर कर ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन से एलईडी के नेगेटिव पर कनेक्ट कर देंगे ताकि जब भी ये रिले ऑन हो तब इस एलईडी के जरिए हमें पता चल सके कि रिले ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब एक ओएल लेते हैं लेकर कर इस रिले का जो कॉमन पॉइंट है वहाँ से कनेक्ट करते हुए सर्किट का जो पॉजिटिव वाला पॉइंट होगा उसी पर कनेक्ट करेंगे ताकि जो कॉमन पॉइंट है वहाँ पर हमें पॉजिटिव सप्लाई मिल सके।
अब हम इसमें से दो वायर आउटपुट निकाल लेते हैं जो कि हमारे कैंडल में हम लगाएंगे। एक को हमने पिनों से ले लिया और एक को ट्रांजिस्टर के एमिटर पॉइंट से ले लिया। चलिए एक बार इस सर्किट को हम टेस्ट कर लेते हैं, फिर इसको कैंडल में कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर अब हम देंगे पॉजिटिव सप्लाई और यहाँ पर देंगे नेगेटिव को, ये तो हो गया। चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं कि ये काम करता है या नहीं कर रहा। ये सर्किट है, ये काम कर रहा है। चलिए इसको अभी कैंडल पर सेट करते हैं। अब एक माचिस के स्टिक लेते हैं, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, लेंगे निक्रोम वायर जो कि हीटर की कॉइल में यूज किया जाता है। तो इसी वायर को हम लेंगे और इसी की मदद से इस माचिस को हम जलाएंगे, जिसके ज़रिए वह कैंडल जलेगा। तो निक्रोम वायर ले लेते हैं थोड़ा सा। अब क्या करेंगे, इस निक्रोम वायर को इस स्टिक के ऊपर रैप कर लेते हैं, दो राउंड काफी होगा। अब जो दो वायर हमारे सर्किट में से निकला था, उन दोनों वायर को हम इस निक्रोम वायर में कनेक्ट कर देते हैं। चलिए अब इस स्टिक को एक कैंडल पर सेट कर लेते हैं। दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट जो है पूरे का पूरे कंप्लीट हो गया है। चलिए अब इसको टेस्ट कर लेते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता है। तो दोस्तों आपने देखा, जैसे मैंने माचिस को इसके सामने लाया, जल्दी माचिस को इसके सामने लाया तो एक कैंडल अपने आप जलने लगा। तो इसी तरह का नए नए प्रोजेक्ट देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक एक कमेंट जरूर कीजिए। अगर वीडियो में कहीं पर कुछ प्रॉब्लम होता है आपको, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सलूशन आपको ज़रूर दूंगा।